हेलो एवरीवन, मैं हूं शंकर ढींगरा और आप देख रहे हैं ईट स्लीप वर्क ट्रैवल रिपीट। इस वीडियो में हम करेंगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू और एक्सप्लोर करेंगे आइलैंड ऑफ कोसामेट को। ये आइलैंड एक परफेक्ट हॉलीडे एस्केप है और इंटरेस्टिंगली इसका नाम यहाँ ग्रो होने वाले समेट ट्रीज के ऊपर रखा गया है, जो कि इस आइलैंड को देखने को आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट के साथ। वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ भी काफ़ी कम है, मैं तो मैनेज कर लूँगा, पर मेरे फ्रेंड्स आज भी भूखे रहने वाले हैं। और जैसे तैसे ब्रेकफास्ट मैनेज करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बांफे पियर की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हम चल पड़े हैं बांफे पियर की तरफ। हमने जो फेरी लेनी है वो बांफे पियर से लेंगे को समेट के लिए। जनरली आप जाना चाहें तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट से भी को समेट के लिए बांफे पियर से फेरी ले सकते हैं, वहाँ से बसेस चलती हैं डायरेक्टली। पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम एक दिन रयोंग में स्टे करेंगे और इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो कल हम लोग रयोंग में रहे थे और हमने ये जगह देखी। अब हम निकल पड़े हैं बांफे पियर की तरफ, तो मैं आपको जाके वहाँ दिखाऊँगा कैसा है। रयोंग से बांफे पियर का डिस्टेंस इज अबाउट 30-45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। एक चीज मैं आपको बता दूं, को समेट जाने के लिए फिलहाल कोई रोड लिंक नहीं है। ओनली वे आप वहां जा सकते हैं इस पियर से फेरी या फिर स्पीड बोट लेके। और ये मेन एरिया है जहां पे ऑफिसेज हैं फेरी और स्पीड बोट ऑपरेटर्स के। मैं आपको एडवाइस करूंगा चाहे आप स्पीड बोट लें या फिर फेरी, लेकिन रेट इनसे अच्छे से नेगोशिएट करें। How many person? Three people. Three person you have booked hotel already? We are not staying, we are just going for a day trip. Oh, today come back? Yeah. Okay. Yeah. We want to come back today, we have to go, we have to try. We have all these people, restaurant, they are take 20 minutes only. Now they are sending you to the beach. Okay. And then we go to Matriyat long time today, the boat leave 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. Okay. And then go take 1 hour inside to here. Okay. And then after that you must take taxi again from here to your hotel, from the beach. Okay. And with the price only the speed boat, that's one. This one, one person that to go and then to come back. Okay. And but for big boat? Big boat, this one. Oh. बांफे पियर के एडजॉइनिंग एक नॉन टिप पियर है, जिसके बाहर आपको सस्ते स्पीड बोट टूर ऑपरेटर भी मिल जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस करी है, अगर आप मेन टिकट काउंटर पे जाएंगे टिकट लें जहाँ पे आपको टैक्सी ड्राइवर्स ड्रॉप करते हैं, यहाँ से आप टिकट ना खरीदिए क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल रेट कोड करते हैं। तो व्हाट आई वुड एडवाइस यू कि आप यहाँ से बाहर आ जाएं, देन यू स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स नुअन थिप पियर विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू 7-Eleven। वहाँ पर आपको टिकट्स 1/3 रेट में मिल जाएंगी। हमने जो टिकट लिया है स्पीड बोट का लिया है टू एंड फ्रो, वो आपको मिल जाएगा 350 baht में, जो कि यहाँ पर आपको जनरली 600 या 650 में कोड करेंगे अंदर। तो ये हमने स्पीड बोट का टिकट लिया है टू एंड प्रो, जो कि हमें मिला है 350 baht पर पर्सन में। और अगर आप मेन टिकट ऑफिस में जाके खरीदने की कोशिश करेंगे तो दे विल कोट यू एटलीस्ट 700। तो ये है हमारी स्पीड बोट की टिकट। तो हम जा रहे हैं अपनी स्पीड बोट की तरफ। जो बिग बोट है दैट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू रीच, और जो स्पीड बोट है ये आपको 15 मिनट में वहाँ पहुँचा देगी और ये आपको मेन बीच पे छोड़ेगी, जबकि स्पीड बोट आपको फेरी टर्मिनल छोड़ती है जहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ती है बीच पे जाने के लिए। नाउ गुड थिंग इज हम लोग सीधे बीच पे पहुँचेंगे। दिस इज द स्पीड बोट विच वी विल बी टेकिंग टू गो टू कोसामेट। फेरीज और स्पीड बोट में एक डिफरेंस ये भी है कि फेरीज का फिक्स टाइम टेबल होता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही चलती है और शाम के वक्त बंद हो जाती है, लेकिन स्पीड बोट सारा दिन चलती रहती है। तो हम आ गए हैं स्पीड बोट के ऊपर। ये स्पीड बोट्स जनरली शेयर्ड बेसिस पे होते हैं और आप अपने साथ दूसरे लोगों को देख के सरप्राइज मत होइएगा। तो 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे को समेट। हम लोग रयोंग में स्टे कर रहे हैं और हम को समेट डे ट्रिप के लिए जा रहे हैं। वीकेंड पे इस आइलैंड के सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स फुली बुक्ड होते हैं, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि यहाँ पे आप प्रायर बुकिंग के बिना आएं। और यहाँ का एक और अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि बाकी थाई डेस्टिनेशंस के कंपैरिजन में यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा कम होती है। भरो भी पैसे।
ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आइलैंड विजिट के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको 200 बाट पर पर्सन का चार्ज देना पड़ता है। फाइनली वी आर एट आइलैंड ऑफ को समेट एंड सच्ची में दिस प्लेस लुक्स फैबुलस। इतना ब्लू एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर मैंने शायद ही कभी देखा हो और अभी तो यहाँ की ये सबसे ज़्यादा कमर्शियल बीच है और आगे तो इसको मैं और भी बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हम अभी हैं यहाँ की सबसे कमर्शियल बीच पे जो कि साई क्यू क्यू बीच, साई क्यू बीच। हाँ, इस आइलैंड पे और भी काफ़ी सारे बीचेस हैं पर सबसे कमर्शियल जो बीच है वो यही है। और अगर आप चाहते हैं किसी क्वाइट बीच पे जाना तो देन यू हैव ऑप्शन, आपको बाहर से टुक टुक मिल जाएगा विच विल चार्ज यू जस्ट अराउंड 20 बाट्स, तो आप उसको लेके नेक्स्ट बीच पे जा सकते हैं। और जितना ज़्यादा डाउन साउथ आप जाते रहेंगे आपको ज़्यादा क्वाइट बीचेस मिलती रहेंगी। हम अभी हैं नॉर्दर्न साइड ऑफ द आइलैंड पे तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। सबसे ज़्यादा लाइवली और टूरिस्टी एरिया जो है वो साइक्यू बीच के पास ही है, तो आइए अब हम चलते हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पे आपको मैक्सिमम बार्स, मसाज शॉप्स, शॉपिंग और रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन मिल जाएंगे और साथ ही साथ मेरा फेवरेट 7-Eleven तो यहाँ पे है ही। एंड अबव ऑल ये एरिया नाइट लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। थाईलैंड की एक और नोटिसेबल चीज़ है कि यहाँ टेम्पल्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। मुझे लगता नहीं कोई भी जगह मैंने ऐसी देखी होगी जहाँ पर टेम्पल ना हो, और इस बात को देख के आई एम प्रिटी श्योर कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं। अभी बीच पे बैठने के लिए काफ़ी गर्मी है तो आई थिंक अभी हम फुट मसाज करा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं एंड देन वील गो फॉर लंच। फुट मसाज हो गई है कंप्लीट, काफ़ी रिलैक्सिंग सेशन था, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। ये रेस्टोरेंट हमें देखने में ठीक ठाक लगा सो वी थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। अगर आप को समेट में वेजिटेरियन फास्ट फूड से ओके हैं तो आई कैन रिकमेंड यू दिस रेस्टोरेंट द कैंटीन। मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे खाना पसंद आया था। अब हम सोच रहे हैं कि बाइक रेंट पे ले लें और थोड़ा आइलैंड के चक्कर मार लें, तो चलिए। तो ये स्कूटर हमने अब रेंट पे लिया है, 150 बाट्स का मिला है 2 आवर्स के लिए रेंट पे, तो अब हम इस पर बैठ के थोड़ा घूम के आते हैं, आइलैंड का चक्कर लगा के आते हैं। ये मिस्टर नैंडू का पिंक स्कूटर। यहाँ रेंट पे स्कूटर्स काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जब स्कूटर लेते हैं तो उसका वीडियो ज़रूर बना लें, नहीं तो बाद में आपका, ताकि शॉपकीपर्स को डिस्प्यूट ना हो और आपको ये ना बोले कि आपने स्कूटर पे कुछ ख़राब कर दिया है। इन टोटल नो डिस्काउंट, डिस्काउंट दिखा रहे नो डिस्काउंट। काफ़ी ट्राई किया बट वो डिस्काउंट देने के लिए माना नहीं। और हम बैठ गए हैं अपने स्कूटर पर। And here we go. क्या कह रहा? साइक्यू बीच से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है आओ फाइव बीच जो कि आपको एकदम बैकपैकर फील देती है और यहाँ का शांत माहौल एक अच्छी और एक रिलैक्स सी फीलिंग देता है। हम लोग कहीं बस स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो सोचते हैं कि काश मैं एक आइलैंड पे होता सराउंडेड बाय ओशन जहाँ पे हमारे मन में कोई टेंशन नहीं है एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तो आज ही हम अपना ड्रीम प्रैक्टिकली लिव कर रहे थे। अब हम इतनी दूर एक आइलैंड पे आए हैं तो कुछ फोटोज, मस्ती और सेल्फीज खींचना तो बनता ही है। ऑल इन ऑल ये एक आइडियल जगह है फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करने के लिए। ये जगह भले ही नाइट लाइफ के लिए इतनी पॉपुलर ना हो लेकिन यहाँ पे ओशन फेसिंग रेस्टोरेंट्स और बार्स है जो कि काफ़ी पॉपुलर है लोकल टूरिस्ट में। और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे यहाँ की सबसे अच्छी बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जगह हॉन्टेड नहीं लग रही है?
रास्ते में आए कुत्ते। अब हम आ गए हैं हफराव बीच पे। ये जगह इतनी पीसफुल है और इसके बारे में मैं क्या बोलूं? यू कैन जस्ट सी इट फॉर योर सेल्फ। ये है को समेट का आउप्राव बीच एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन थाईलैंड। नेक्स्ट अप इज अ व्यू पॉइंट एंड यहाँ का व्यू ऑनेस्टली मुझे ब्रेथ टेकिंग लगा। तो शाम का वक्त हो गया है और हमारा स्कूटर रिटर्न करने का भी टाइम हो गया है, तो चलिए अब हम चलते हैं वापस। वापस जाने के लिए स्पीड बोट हमने साइक्यू बीच से ही लेनी है, तो जाते जाते इसका भी राउंड ले लेते हैं। तो सारा दिन को समेट में बीच हॉपिंग करने के बाद अब हम लोग काफी थक गए हैं। So now we are going back to our room and for now back to the speedboat. ये को समेट का फेरी टर्मिनल है, सारी फेरीज यहीं आके रुकती हैं। उसके बाद हमें टैक्सी या टुक टुक लेना होता है बीच पे जाने के लिए। और आते हुए क्योंकि हम स्पीड बोट पे आए थे इसलिए हम यहाँ नहीं रुके, लेकिन वापसी में हमें यहाँ से किसी को पिक करना है और उसी बहाने मैंने आपको ये फेरी टर्मिनल भी दिखा दिया। Now we are back to Banfe Pier. और यहाँ से हम टैक्सी लेंगे रियोंग वापस जाने के लिए। मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने as usual मुझे काफी परेशान किया। Dogs just do not like me. रियोंग वापस जाने से पहले बानफे पियर पे ही एक मार्केट थी जिसको हमने सोचा चेकआउट कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली इट वॉज नथिंग ग्रेट। टैक्सी लेने के टाइम इस लेडी ने हमें काफी परेशान किया और जब तक हमने इसे टैक्सी नहीं ली ये नहीं मानी, और इसने दूसरे लोगों को भी मना कर दिया कि हमें टैक्सी ना दें ताकि हमें इसी से टैक्सी लेनी पड़े। तो हम वापस आ गए हैं थके हारे अपने होटल, अब यहाँ पे करेंगे हम रेस्ट। इसी के साथ ये वीडियो हुआ ख़त्म और साथ में थाईलैंड सीरीज़ भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर मूड करे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा अपने अगले वीडियोज़ की सीरीज़ में जो कि है तंकावी।